रेडी स्टार्ट। महोदय, मुझे इस बात का संतोष है कि राष्ट्रपति जी ने शिक्षा के बारे में अपने भाषण में इस वर्ष विशेष रूप से ध्यान दिया है। हमको दुख के साथ यह स्वीकार करना चाहिए कि आज़ादी के बाद शिक्षा में जितना सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। उसके कुछ भी कारण रहे हों, आर्थिक हों या दूसरे, लेकिन यह हमको मानना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ काम करने को बाकी है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उनको तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इसके कई कारण हैं। योजना आयोग ने और भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब वह जमाना नहीं रहा जबकि बुनियादी शिक्षा को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में चलाया जाए, कुछ ही बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी स्कूल पुराने ढंग से चलते रहें। भले ही हम उस तरह से शिक्षा ना चला सकें जिस तरह से सेवाग्राम में चलती रही हैं, फिर भी जो उसका बुनियादी सिद्धांत है कि जिस तरह उत्पादन के द्वारा शिक्षा देना, उसको संसार के सभी शिक्षा शास्त्री आज मानते हैं। पैराग्राफ चेंज। आज स्कूलों कॉलेजों की शिक्षा अच्छी नहीं है, यह सभी जानते हैं कि आज की शिक्षा बच्चों को बेकार बना रही है। इसलिए मैं तो यह चाहता हूँ कि जो हमारी शिक्षा हो, जो स्कूल कॉलेज हो, उनमें बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत जरूर लागू किया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी सभी पुराने ढंग पर चलते रहें। आज जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है, वे कॉलेज में नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ कि हमारा शिक्षा मंत्रालय इसकी तरफ पूरा ध्यान देगा, ताकि राष्ट्रपति जी ने अपनी भाषण में जो कुछ कहा है वह पूरा हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो सके। पैराग्राफ चेंज। यह हम अक्सर कहते हैं कि जब नई सरकार आती है तो नया झंडा होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि नई सरकार के आने के साथ नई शिक्षा का आना भी बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति जी के भाषण में दलित जातियों के बारे में भी जिक्र है, मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। यद्यपि आज भारत स्वतंत्र है, लेकिन यदि हम हरिजनों की तरफ और जो आदिम जातियां हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो सिर्फ सामाजिक ही नहीं राजनीतिक उलझनों के खड़े होने का डर है। मुझे बहुत खुशी है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में देश के कोने कोने से आदिवासी भाग ले रहे हैं। यह न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमको समझना चाहिए कि जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वे भारत के अभिन्न अंग हैं। हमें उनको भी यह बतलाना है कि सारा देश उनके कल्याण के लिए और उनकी भलाई के लिए प्रयत्नशील रहता है। स्टॉप।